आपसे कुछ कहना है, इजाजत है? हमें आपसे कहना चाहिए। धन्यवाद। अब होगा फिल्म रिव्यू। फिल्म का नाम शिवा रागनी फिल्म को कैप्टन वीडियो प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत कर रहा है। पद फिल्म को ग्लोबल आर्ट इंफोटेनमेंट एंड एसआर इंफोटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत कर रहा है। फिल्म शिवा रागनी में खर्चा अमित कुमार गुप्ता, उमा गुप्ता, त्रिवेणी सिंह किए हैं। फिल्म वध में खर्चा शिवम बरनवाल किए हैं। शिवा रागनी फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर शत्रुघ्न गोस्वामी जी हैं। वध फिल्म के निर्देशक डायरेक्टर सोम भूषण श्रीवास्तव जी हैं। फिल्म रिव्यू मतलब फिल्म का कहानी, तो सुन लीजिए। फिल्म शिवा रागनी शिव भक्ति समर्पण पर आधारित है। फिल्म शिव पूजा से शुरू होता है, डमरू की नाग से, माँ गंगा के बहते जल से जो राग निकलता है उसे शिव रागनी कहते हैं। कहानी बनारस घाट का है। लाडो मधेसिया के पिता बनारस घाट पर चाय का टपरी चलाते हैं। लाडो के पिता जी का एक ही सपना है, लाडो बहुत बड़े गायक बने। लाडो बनारस घाट पर ही शिव भक्ति भजन का अभ्यास करते हैं। लोग कहते हैं लाडो शिव का भजन बहुत अच्छा गाते हैं। लाडो का भी बड़ा मन है स्टूडियो जाकर गाना गाए, पूरा देश भर के लोगों को भजन सुनाए। शिव भक्ति की चाहत ही लाडो को एक दिन स्टार बनाएगा। लाडो के जैसे ही एक लड़की शिव भक्ति में मगन हो जाती है। इस लड़की का भी सपना है गायिका बनने का। अपने शिव भजन से पूरा देश भर में नाम पैसा कमाने का। लाडो बनारस के एक स्टूडियो में चला गया, लेकिन स्टूडियो तो पैसा कमाने का धंधा बना हुआ है। छोट सिंगर से मोटी रकम लेकर गवाने वाले हैं ये लोग। लाडो से 5 लाख रुपए मांगा स्टूडियो वाला। चाय बेचने वाला का लड़का 5 लाख रुपए का नाम सुन के वापस घर अपने चला आया। लड़की भी स्टूडियो गई थी। स्टूडियो वाला लड़की को कॉम्प्रोमाइज करने को बोल रहा है। शिव भजन गाने वाली लड़की शिव की महिमा को सुनाती है, एक थप्पड़ लगा के चली वहां से जाती है। लाडो का लड़की का सपना एक है, इन्हें भी अब एक हो जाना चाहिए, जैसे एक है शिवा रागनी। दोनों एक हो गए। फर्क बस इतना है लड़की अमीर घराने की है और लड़का एक मामूली चाय बेचने वाला का। दोनों ने और कुछ संग साथी मिलकर एक कामयाब प्लान बनाया है। प्लान आज के हिसाब से बहुत सही है। यूट्यूब पर चैनल खोलेंगे, भजन गाएंगे सुनाएंगे। चैनल का नाम शिव रागनी रखा गया शिव जी के नाम पर। भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। और अच्छा हुआ चैनल के माध्यम से लोग लाडो को जान रहे हैं, लाडो के भजन को लोग पसंद कर रहे हैं। लड़की के घर वाले लाडो के साथ रहने के लिए मना कर दिए, लड़की के लिए लड़का देख लिए हैं, लेकिन लड़की सिर्फ लाडो के साथ ही रहना चाहती है। लाडो अब सिर्फ लाडो नहीं है, सिंगर लाडो है। लाडो को कामयाबी के साथ गहरा चोट भी खाना पड़ा। शिव का हाथ जिसके साथ, वो तो महाबली है, उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। लाडो को स्टेज शो करने के लिए लोग बुलाने लगे हैं। लाडो बड़ा स्टार, बड़ा स्टेज शो करने लगा है। लाडो के पिताजी का सपना साकार हो गया। शायद इतना ही शिवा रागनी फिल्म का कहानी है। फिल्म की ट्रेलर में 3 गो गाना बज रहा है। पहला गाना, देव में जो रम जाए
जाए रे के बाद, तू चलता जा रे, चलता जा रे के बाद, जय हो भोले भोले भोले। फिल्म में लाडो मधेसिया, संजुक्ता रॉय और भी मैं लोग हैं, सबका अभिनय ठीक है। फिल्म वध पुलिस पहलवान पर आधारित है। फिल्म पुलिस पावर से शुरू होता है। विराज भट्ट रौड़ी पुलिस में आ रहे हैं। आम इंसान को परेशान एक शैतान कर रहा है। इस शैतान के सर पर मर्डर करने का भूत सवार रहता है। जब से इस गांव में आया है, तब से इस गांव पर काल बन के मंडरा रहा है। यहाँ की पुलिस इसका गुलाम है। पूरा गांव गुलामी की जिंदगी जी रहा था। शैतान का साथ गांव का नेता भी देता है। जो भी ईमानदार पुलिस ऑफिसर इस गांव में आता है, उसे ये पैसा खिला के वफादार कुत्ता बना देता है। सबका दिन आता है, इस शैतान का भी दिन आया। एक पुलिस जिसका ईमान पैसा देखकर डगमगाता नहीं है, गलत करने वाले को मौत की सजा देता है। विराज गांव में आते ही शैतान से मिल लिए। शैतान हैवान है, लेकिन विराज से बहुत परेशान है। ईमानदार पुलिस शैतान को इंसान बना देता है। आज काल गांव में बहुत शांति का माहौल बना हुआ है। सब गांव वाले चैन की नींद ले रहे हैं। विराज की बराबरी करने वाली गांव से निकलकर विराज की दिल में विराजमान हो गई। घर का मामला पुलिस स्टेशन में जाकर थानेदार से रिपोर्ट लिखवाने लगी है। थाने का थानेदार गांव की लड़की का हाथ हमेशा के लिए अपने हाथ में लेकर हथकड़ी लगा दिया। पुलिस विराज का गांव में ही शादी हो गया। शादी करके ठीक से सुहाग रात का मजा ले लिया। अब शैतान अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार है। जब से विराज आया है, तब से शैतान अपनी शैतानी को छोड़कर सीधा साधा बन गया है। एक भी इंसान का मर्डर नहीं किया है। शैतान बिना शैतानी किए नहीं रह सकता है। विराज गांव का पूरा सिस्टम चेंज करने की सोच रहा है। विराज अपने औरत को चुनाव में खड़ा कर रहा है। जब गांव का नेता अच्छा और सच्चा रहेगा, तब ही गांव का विकास होगा। विराज की ईमानदारी वफादारी को पूरा गांव के लोग मान रहे हैं। शैतान को ईमानदार बिल्कुल पसंद नहीं आया। शैतान शैतानी करने आ रहा है। तैयार हो जाओ विराज, गांव का भविष्य तुम्हारा भविष्य आज तय होगा इसी गांव में। गांव का भविष्य बहुत उज्जवल है। शैतान का शैतानी पहलवानी में दम तोड़ दिया। शैतान का वध हो गया। पूरा गांव सिस्टम से अब चलेगा। शायद इतना ही वध फिल्म का कहानी है। फिल्म की ट्रेलर में चार गो गाना बज रहा है। पहला गाना मेरे लाइफ की तू परमिट है, तू परमिट है के बाद दर पर देर है पर अंधेर नहीं, अंधेर नहीं है के बाद सुबह माने दस है रतिया, माने दस सुहाग रतिया के बाद फिल्म में विराज भट्ट रक्षा गुप्ता और भी मैं लोग हैं, सबका अभिनय ठीक है। आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, फिर तो हमको मजा आ जाएगा यार। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा नया तैयारी के साथ, नया कंटेंट के साथ। धन्यवाद।